मेगा फेम गेम को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत एक्साइटेड हैं, एक तो हमारी कंपनी का है, धर्मेंद्र का है, माधुरी मैम को बहुत टाइम बाद हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसे अवतार में, उनके साथ एक डांस शो भी जज कर चुका हूँ तो और सालों से उनका फैन रहा, काफ़ी एक्साइटेड हूँ। उनके लिए भी एक नया फॉर्मेट है, जो ये शोज़ के फॉर्मेट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, नेटफ्लिक्स हैज बीन डूइंग वेरी इंटरेस्टिंग वर्क, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ और लेट्स सी आज हमें कुछ एपिसोड्स देखने मिले, वेरी एक्साइटेड। ट्रेलर तो आपने डेफिनेटली देखा होगा, बिल्कुल आप बता सके कि आई थिंक किसी परफॉर्मेंस के लिए ये ऊपर सब कुछ है, आफ्टर आफ्टर किसी परफॉर्मेंस के लिए आप ये बहुत ही एक्साइटेड हैं कि उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आप आई थिंक एक तो बहुत जो इंटरेस्टिंग था मेरे लिए भी कि उसमें जो जैसा ट्रेलर में दिखाया है कि जो माधुरी मैम जी का कैरेक्टर है वो सडनली डिसअपीयर हो जाता है, अपने फेम की बुलंदी पे एकदम गायब हो जाते हैं और फिर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके उन सब शक में आ जाते हैं, कई गहराव में आ जाते हैं, तो आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग है जो थ्रिलर एस्पेक्ट है, तो आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड। ऑफकोर्स आज के दिन मुझे उस सब सस्पेंस नहीं पता चलेगा, जब रिलीज होगी तभी पता चलेगा, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड और अच्छा एंसेंबल कास्ट है, बट पर्सन जो मुझे लगता है बहुत अंडरडॉग परफॉर्मर है और जो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं वो संजय कपूर जी, लक बाय चांस में उनकी परफॉर्मेंस बहुत इंटरेस्टिंग थी, आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी वो कैसे। आखिरी सवाल, एज अ डायरेक्टर आप जिस इंडस्ट्री में हैं, हम जिस इंडस्ट्री में, फेम कितना इंपॉर्टेंट लगता है? आई थिंक हम में से जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा फेम जरूर चाहते हैं, आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस मायनों में फेम चाहते हैं, आई थिंक अगर हमें हमारे काम के कारण फेम मिले दैट्स व्हाट वी वांट, उसके अलावा अगर हम इनफेमस या फेमस होते हैं उसमें हमें इंटरेस्ट है। तो आपकी तरफ से कौन सी ऐसी फिल्म आने वाली है जो काफ़ी फेम होने वाली है, आपकी अनाउंसमेंट होने वाला है? जी मेरी तो फिल्म ऑलरेडी एक्चुअली अनाउंस हो चुकी है, हम लोग बस वेट कर रहे हैं गोविंदा नाम मेरा को रिलीज करने के लिए, हम लोग जस्ट वेट कर रहे थे कि थिएटर्स अपनी पूरी बुलंदी पर आ जाए, वी आर वेरी एक्साइटेड, आई थिंक बहुत जल्द हमारा अनाउंसमेंट भी होगा एंड आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत बहुत चाहता हूँ कि लोग थिएटर्स में वापस आएँ और हमारी फिल्मों को एंजॉय करें, वो गोविंदा नाम मेरा एक ऐसी ही फिल्म है जो थिएटर के लिए बनी है, ऑडियंसेस के लिए बनी है, सो या आई थिंक कुछ महीनों के अंदर अंदर इट शुड डेफिनेटली रिलीज है। थैंक यू सर, थोड़ा इधर रुकिए ना, थोड़ा ये थोड़ा पीछे ले लो सर, थोड़ा ये साइड है चाहिए ना, ये सर, हाँ अभी लुक कैमरा, I've been hearing about this show for a very long time. Mr. Sanjay Kapoor is in it, Madhuri Dixit is in it. So I know it from the time when the name was very different. But yeah, I'm very excited. I think Sanjay Kapoor sir, I haven't seen him in a long time, so that's one. And there's one young actor in it, I forgot his name, but I watched him in Meel Pathar. He's playing like one of the sons. Lakshvir sir. I think he's a very good actor, and I'm really looking forward to his role. Thank you. सर यहाँ पे, सर यहाँ पे सामने, संजय जी इधर शो में या सीरीज में अपन में काम करते हो पूरी
मेहनत से करते हो तो एक्साइटमेंट हर शो फिल्म के लिए होता है. दिस इज स्पेशल आल्सो इट्स गॉट अ ग्रेट कास्ट टू एक्सेलेंट डायरेक्टर्स इन बिजॉय एंड करिश्मा. इट्स ऑन नेटफ्लिक्स एंड द क्रिएटर इज श्रीरा who's done a fantastic job and then is coming on Dramatic so and a great cast so we couldn't have asked for anything better. Aap kuch kehna chahenge audience ke liye jis tarah se pura time change ho gaya theater bhi chalu ho gaya OTT platform bhi itne sare aa gaye so bahut bahut achhi baat hai ki cases pure India mein bahut kam ho gaye hain aur finally theaters fir se khul gaye sabke liye acha hai audience ke liye acha hai hamare liye acha hai so it's a positive sign. मेरे पास तो बहुत बहुत वार्म है. आई मीन वर्किंग विद देम, इट फील्स लाइक अ फैमिली वर्किंग विद देम.
Thank you.